कि जिस कथा को सुनने से लोगों के लोक पावन हो जाते हैं, तो फिर वो क्या गड़बड़ है कि कई बार व्यासपीठ और हमारे बीच की दूरी 15-20 फुट, 50 फुट, 100 फुट, 200 फुट, 500 फुट, 1000 फुट होती है, फिर जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता? ये बड़ी कड़वी सी बात मैं कहना चाहता हूं। कथा सुनने की जिसको कुशलता है, उसके जीवन में कथा कल्याण कर देती है। सिर्फ कथा सुनने का विषय नहीं है, कुशलता चाहिए। हाउ टू लिसन, कैसे सुनना है, ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। जिस कथा को सुन के आपको आपको कल्याण मिल जाने वाला है, मोक्ष मिल जाने वाला है, या आपके जीवन में अनंत परिवर्तन आ जाने वाला है, बहुत महान कार्य हो जाने वाला है, उसको आप कितनी शिद्दत दे रहे हो, उसको आप कितनी महत्वपूर्णता दे रहे हो, उसको आप कितना समय दे रहे हो, उसके ऊपर कितनी आपका आस्था, विश्वास, समर्पण है, आप कभी इस और जरूर ध्यान दीजिएगा। मैं तो कहता हूं कि आप लोग यहां बैठे, ठीक है, जो टेलीविजन के सामने भी बैठे उनको भी चाहिए कि वो भी अपने आसन लेकर बैठे, क्योंकि कथा कथा बिना आसन सिद्धि के अपने बात है ना, कैसे सुने। मैंने अभी जो चर्चा की कुशलता क्या है, तो कुशलता की सबसे पहली सरलता यह है कि आपका स्थान जो है, आसन जो है, वो सिद्ध होना चाहिए। कुछ भी कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन कभी उस और ध्यान ही नहीं दिया हमने। छोटा सा आसन फोल्ड करने वाला पॉकेट में आ जाता है, जिसपे आप पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, वो आसन आपके साथ वैसे ही चलना चाहिए जैसे आपका साया चलता है। क्योंकि ये तो निश्चिंत नहीं है कि कथा पंडाल में आप जाकर, आप यजमान है तो चलो आपके लिए एक विशेष जगह होगी, आप वहां बैठ पाएंगे, और कायदे से वहां से हटना भी नहीं है। तो आप जरूरी नहीं है कि कई बार आप जहां बैठते हो वहां पंडाल में वहीं बैठ पाओ, आगे पीछे भी हो सकते हो। तो उस संदर्भ में आपका आसन तो आपके पास होगा, आप जहां रखोगे वो एक्टिवेशन दे देगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये पहली प्रक्रिया है, इसको आसन सिद्धि कहा गया है। आसन सिद्धि के बड़े लक्षण हैं और आसन सिद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। हम कहते हैं ना, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो कहां छूट जा रहा है रिजल्ट? हम जहां से उठे वहीं रिजल्ट छूट गया, तप वहां छूट गया। हम जब उठेंगे तो अगर हमारा आसन नहीं है तो तप वहीं छूट गया, क्योंकि जैसे ही हम उठे इंद्र ने उसको ले लिया। इंद्र का तो काम ही ये है। तो हमने क्या इस बात पर ध्यान दिया? बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस पर कभी ध्यान दिया? जैसे हमारी माला है ना, वैसे ही हमारा आसन है, बल्कि माला से ज्यादा आसन की सिद्धि होती है। तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास आपका व्यक्तिगत आसन है या नहीं। अगर आप पूरी निष्ठा और भाव के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं तो वो होना चाहिए।